सुनिए जी, ये नौकरी और पत्नी में क्या समानता होती है? नौकरी बिना पत्नी जैसी होती है, एक बार मिलने के बाद छोड़ नहीं सकते, एक होती है दूसरी कर नहीं सकते, और सबसे खास बात खुद की छोड़ के बाकी सबकी अच्छी लगती है। भाई साहब, भाभी जी लेफ्टी है क्या? हाँ, पर आपको कैसे पता? क्योंकि आपका दाया गाल सूजा हुआ है। इसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। रोके तू साथ जब करे बात, जल जाती है मेरी जान। तुझ पे भी तो यार मरते हैं हजार, तुझको छुपाऊं कहां। किसी ने गालिब से पूछा कि मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद। गालिब ने भी मुस्कुरा के जवाब दिया, मोहब्बत कभी भी करो, बस बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज ना मेरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ घूम रहा था। अच्छा, फिर? फिर क्या, अगर मेरा हस्बैंड साथ नहीं होता ना तो उसको रंगे हाथ पकड़ती। और मुझे सफरिंग का बहुत शौक है, आई लव टू सफर, और मैं बस सफर कर कर के यहाँ पे आई हूँ, बहुत लवली है। मे यू ऑल सफर। बेबी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक चाटा मार लूँ। हाँ मार लो ना बेबी। एक और मार लूँ? हाँ मार लो बेबी। बेबी अगर अब तुम बुरा ना मानो तो मैं भी एक मार लूँ। हाँ बेबी। सुनो, एक शायरी सुनाओ। हाँ। चलती है गाड़ी, उड़ते हैं प्लेन। वाह वाह। चलती है गाड़ी, उड़ते हैं प्लेन, और जो लड़कियों के पास नहीं होता है उसे कहते हैं ब्रेन। ए थूका क्यों? ताकि मेरे जाने के बाद कोई बैठे ना। बेबी तुम्हें याद है ना कल क्या है? हाँ बेबी याद है ना, तुम्हें गिफ्ट चाहिए ना। हाँ सच्ची? हाँ बोलो क्या चाहिए। मुझे ना रिंग चाहिए। कल सुबह पक्का रिंग दूंगा, पर फोन मत उठाना, बैलेंस नहीं है। रोके तू साथ जब करे बात, जल जाती है मेरी जान। तुझ पे भी तो यार मरते हैं हजार, तुझको छुपाऊं कहां। सुनो जी, आज पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। क्या, अभी कल ही तो साड़ी मांगी थी। मैं आज की बात कर रही हूँ, ढंग से सुनते भी नहीं हो। मैंने आपको भाभी नहीं अपनी फ्रेंड माना था, और आप एक चीज देने से मना कर दी जी। सॉरी यार, पर मैं नहीं दे सकती। बहन क्या देने से इसने मना कर दिया बता, मैं तुझे अभी ला के दूंगा। बहन भाई भाभी के बॉयफ्रेंड का नंबर। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? खाना। और उससे भी ज्यादा क्या अच्छा लगता है? फोकट का खाना। हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जिसको हमेशा डांट पड़ती है, मेरे घर में वो इंसान मैं हूँ। पैसों का घमंड नहीं है मेरे भाई। हा? क्योंकि है ही नहीं। अगर हम आपको अच्छे नहीं लगते तो ना दाएं जाएं ना बाएं जाएं, सीधा बाढ़ में जाएं। यार अभी मैं टॉयलेट में गया था, वहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ था दुनिया चांद पे चले गई, और तुम यहाँ बैठे हो। तो फिर मैंने भी दीवार पे लिख दिया, चांद पे पानी नहीं है इसलिए तो यहाँ बैठा हूँ। बेबी तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? बेबी सब कुछ। सब कुछ में क्या? योर सोल। तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? आपका फेस। फेस में क्या? आंखें। आंखें लेफ्ट वाली या राइट वाली? ओह नो। नहीं, राइट वाली तो फोड़ दी, तो लेफ्ट वाली। अरे शर्म करो कुछ,
बच्चे नहीं हो आप तुम, यही टाइम होता है पढ़ाई करने का। टेंथ के बाद कभी सोचा है क्या करोगे? क्या करोगे टेंथ के बाद? बहू सारा काम हुआ? जी माँ जी। झाड़ू पोछा हुआ? हाँ हो गया। बर्तन धोए? धो रही हूँ। खाना बना लिया? हाँ सुबह 8 बजे ही बना लिया। ठीक है अब रसोई साफ कर दो, चाय बना दो और कपड़े भी धो देना। जी माँ जी। क्या बताऊँ बहन, जब मैं बहू थी तब सास अच्छी नहीं मिली, अब सास हूँ तो बहू अच्छी नहीं मिली। यही लाइन हिंदी में बोलो, मुझे इंग्लिश नहीं आती। बताओ बच्चों, ताजमहल कहाँ पर है? जी आगरा में। नहीं गाजियाबाद में। नहीं आगरा में। चुप, गाजियाबाद में। पापा देख लो मम्मी गलत पढ़ा रही है, ताजमहल आगरा में है और ये गाजियाबाद बता रही है। यार अब ये क्या नया ड्रामा लगा रखा है, बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रही हो? पहले तो आप मुझे एक नई साड़ी दिलवाओ, और जब तक नई साड़ी नहीं दिलवाओगे तब तक ताजमहल गाजियाबाद में ही रहेगा। बेटा अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो हमें बता दे। अरे मम्मी कोई नहीं है। वो तो हमें भी पता है भाई, हम तो बस मजे ले रहे हैं। सो दोस्तों आज मैं अपना क्रिकेट नॉलेज टेस्ट करने वाली हूँ पैरी में। मेरा क्रिकेट नॉलेज तो एकदम परफेक्ट है, अगर आपके पास भी मेरे जैसा क्रिकेट नॉलेज है तो अब भी रजिस्टर करें पैरी मैच पर और पाइए अपने पहले डिपॉजिट पर 150% बोनस 20,000 रुपए तक। मैदान में बाजी कोई भी जीते, मगर पैरी मैच पे अपने ज्ञान से जीत की गारंटी पक्की है।